92.7 बिग एफएम पर बिग रेडियो डायरी। आज है 22 जुलाई 2015। 92.7 बिग एफएम सेलिब्रेट कर रहा है सुर सम्राट मुकेश की सालगिरह। आज ही के दिन 1923 में दिल्ली के एक इंजीनियर जोरावर चंद माथुर के घर जन्म हुआ मुकेश चंद माथुर का। बिग रेडियो डायरी में पलटते हैं महान गायक मुकेश की शुरुआती जिंदगी के कुछ पन्ने। दसवीं का इम्तिहान पास करते ही मुकेश ने ज्वाइन कर लिया पीडब्ल्यूडी एज अ सिविल इंजीनियर, लेकिन अंदर का कलाकार हिलोरे मार रहा था। अभी तक इस महान गायक को किसी और ने नहीं सुना था। यह मौका तब आया जब मुकेश ने अपनी बहन की शादी में एक गाना गाया। उस मैरिज पार्टी में महान एक्टर मोतीलाल भी थे। उन्होंने इस प्रतिभा को पहचाना और ले आए मुकेश को परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ अपने साथ मुंबई, जब उन्होंने आवाज के साथ साथ एक्टिंग के भी जलवे दिखाए। मुकेश की आवाज से प्रभावित एक्टर मोतीलाल उन्हें ले आए दिल्ली से बंबई और दिलवाई मुकेश को उनकी पहली फिल्म, जिसमें मुकेश को सिर्फ गाना ही नहीं बल्कि अदाकारी भी करनी थी। फिल्म थी 1941 की निर्दोष और मुकेश की ऑपोजिट हीरोइन थी नलिनी जयवंत। निर्दोष के रिलीज होने के अगले 4 साल तक मुकेश को कोई खास काम न मिला, लेकिन 1945 में जब आई फिल्म पहली नजर तो मुकेश के गाए गीत दिल जलता है तो जलने देने तहलका मचा दिया। केएल सहगल ने भी इस गीत और गायक की खूब तारीफ की। मुकेश अपने समय के महान गायक केएल सहगल से बहुत अधिक प्रभावित थे, लेकिन संगीतकार नौशाद ने मुकेश को हौसला दिया कि वो अपनी आवाज की एक अलग पहचान बनाए। मुकेश ने पहली बार 1949 में फिल्म अंदाज से अपनी आवाज को अपना अंदाज दिया। उसके बाद तो मुकेश की आवाज हर गली, हर नुक्कड़ और हर चौराहे पर गूंजने लगी। प्यार छुपा है इतना इस दिल में जितने सागर में मोती और डम डम डिगा डिगा जैसे गाने संगीत प्रेमियों की जबान पर चलते रहते थे। इन्हीं गीतों ने मुकेश को प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 92.7 बिग एफएम पर बिग रेडियो डायरी। 92.7 बिग एफएम सेलिब्रेट कर रहा है सुर सम्राट मुकेश की सालगिरह। बिग रेडियो डायरी से पढ़ते हैं 1948 से 1951 के बीच के वो पन्ने जब मुकेश बन गए राज कपूर की आवाज। 1947 में राज कपूर की पहली फिल्म नील कमल में मुकेश ने गाने गाए। राज कपूर ने फिल्म आग में भी मुकेश की ही आवाज का इस्तेमाल किया, लेकिन इंडस्ट्री में उस समय तक मुकेश दिलीप कुमार की आवाज माने जाते थे। यहां तक कि 1949 की फिल्म अंदाज में भी मुकेश की आवाज इस्तेमाल की गई दिलीप कुमार के लिए और रफी की राज कपूर के लिए। लेकिन इसके बाद ही राज कपूर ने फैसला कर लिया कि अब से उनके सभी गाने सिर्फ मुकेश ही गाएंगे। राज कपूर कहा करते थे कि मैं तो केवल शरीर हूं, एक हार्ड मास का पुतला, मेरी आत्मा तो मुकेश की आवाज ही है। फिल्म फेयर पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष गायक मुकेश ने गाने तो हर किस्म के गाए, मगर दर्द भरे गीतों की चर्चा मुकेश के गीतों के बिना अधूरी है। ये मेरा दीवानापन है, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, दोस्त दोस्त ना रहा, जाने कहां गए वो दिन, जैसे गानों को अपनी आवाज के जरिए दर्द में डुबो दिया तो वहीं किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे गाने गाकर प्यार के एहसास को और गहरा करने में मुकेश ने कोई कसर न छोड़ी। करीब 200 से अधिक फिल्मों में आवाज देने वाले मुकेश ने संगीत की दुनिया में दर्द का बादशाह के रूप में अपनी पहचान भी बनाई। आज सारा दिन हिंदी सिनेमा की पुरसोज आवाज मुकेश जी की यादों की डायरी, बिग रेडियो डायरी, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।